लोगों ने तो रिया को पढ़ते हुए देखा है और मम्मी पापा का काफी सपोर्ट है। जब भी जरूरत हुई तो मम्मी पापा दोनों ही रिया को लेके आ जाते थे, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी, स्पेशली शरद सर को। शरद सर की मैंने वीडियो देखी है, सुनी है। मैंने ही ऑब्वियसली सिलेक्शन किया था कि तूने कोचिंग शरद सर से लेनी है। यूट्यूब पे मैंने जब सर्चिंग की ना, तो मुझे शरद सर से बेस्ट कोई भी नहीं लगा। और जो इनका मोटिवेट करना, बच्चे को मॉरल सपोर्ट देना, वो तो मेरे ख्याल से कोई टीचर आजकल तो बहुत ही रेयर मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए आज एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, रिया गर्ग से, जो कि दिल्ली से हैं। और रिया गर्ग जो है वो क्लासरूम स्टूडेंट थी और रिया की ऑल इंडिया 413 रैंक है, इनको एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हुआ। तो रिया, सबसे पहले एनआईटी कुरुक्षेत्र और 41 रैंक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई। थैंक यू सर। तो रिया, आप तो भोपाल में रहे हो, आपने पढ़ाई भी की हुई है, और yes. क्योंकि आपने ड्रॉप लिया था और ड्रॉप लेके आप भोपाल आए और आपने पढ़ाई की, तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हर बच्चा जानना चाहता है। अब इम्पिटस में एक अच्छी बात है कि जो बच्चा जिस कंडीशन में ना आज की डेट में पढ़ पा रहा है, घर पे भी रह के, क्लासरूम में भी रह के, टेस्ट सीरीज दे के भी, तो आपका पहले तो ये बताना कि आपने कब सोचा था कि आपको एमसीए करना है, फिर जब आपने ड्रॉप लिया तो उस डिसीजन को लेने में आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और आपकी जो सक्सेस जर्नी है। यस सर। तो मैंने जब थर्ड ईयर में थी तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एमसीए करना है। उससे पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मुझे एमएससी करना चाहिए या फिर एमसीए करना चाहिए। तो थर्ड ईयर में डिसीजन लिया कि एमसीए करना है। तो मेरा रेगुलर कॉलेज था तो मुझे था कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी है, मेरा ऑफलाइन हो नहीं पाएगा मैनेज। तो फिर मम्मा ने थोड़ी वीडियो सर्च की थी, इसके लिए मम्मा को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे वीडियो सर्च करके दी, तो उनको भी आपकी वीडियो ही बेस्ट लगी थी और मुझे भी, मैंने भी जब एक वीडियो देखी तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तो फिर हमने पेनड्राइव कोर्स लिया था। तो स्टार्टिंग में तो मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी क्लासेस भी चल रही, तो मुझसे मैनेज नहीं हो पाया था टाइम। फिर जब कोविड आया तो टाइम मिला और मैं कंसिस्टेंट भी रही, लेकिन उसके बाद भी हो नहीं पाया। तो उसके रीजन ये था कि एक्सटेंशन भी बहुत मिला हमें कोविड के चक्कर में। तो उसके मैं मेनली तीन रीजन्स मैंने सोचे, मतलब मैं एनालाइज किया मैंने कि तीन रीजन्स थे मेनली। तो मेरा फर्स्ट रीजन था कि डाउट्स में, मतलब डाउट्स में बहुत टाइम वेस्ट करती थी। जैसे एक क्वेश्चन पे अटक गई तो उसके बाद मैं उसमें आगे नहीं बढ़ती थी, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसी में टाइम देती रहती थी। जैसे मेरा आधा आधा दिन पूरा उसमें निकल जाता था। तो मतलब इस चक्कर में फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैंने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। और फिर सेकेंड रीजन था कि मेरा रिविजन का तरीका सही नहीं था। मतलब जैसे चैप्टर स्टार्ट होता था तो फर्स्ट डे की क्लास मुझे समझ में आती थी, फिर मैं सोचती थी जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद मैं रिवाइज करना शुरू करूँगी। तो सेकेंड डे की क्लास मुझे समझ ही नहीं आती थी क्योंकि उसमें फर्स्ट डे कॉन्सेप्ट लग रहे होते थे, तो वो तरीका फिर मुझे बाद में रिवाइज करने बहुत डबल टाइम लग जाता। और थर्ड था टेस्ट, मैंने टेस्ट नहीं दिया बिल्कुल भी, तो वो चीज भी एक प्रॉब्लम थी। तो मेरी स्पीड ही मैनेज नहीं हो पाई थी। तो जैसे कि पेपर था तो मैं 120 क्वेश्चंस पढ़ भी नहीं पाई थी 2020 के पेपर में। तो मैंने जब मैं भोपाल गई ऑफलाइन के लिए तब मैंने इन तीनों चीजों पे ही वर्क किया, और मतलब सर की गाइडेंस को, मतलब आपकी गाइडेंस पे सब फॉलो किया कि जो सर बोल रहे बस एग्जैक्टली वही करो, तो ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब इन तीनों पे ही काम किया मैंने मेनली, तो फिर इसी से हो गया। देखो रिया, आपने बिल्कुल पते की बात बोली, जीवन में हर वो इंसान सफल हो सकता जिसको अपनी कमियां पता हो, और जो अपनी कमियों को, जैसे कई बच्चे अब ड्रॉप लेते हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप अगर आज ड्रॉप ले रहे हो और आपने एग्जाम दिया है तो ये समझना जरूरी कि पिछले साल मिस्टेक क्या हुई, वही मिस्टेक दोहराओगे तो फिर वही होगा रिजल्ट जो पिछले साल हुआ। आपने तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली, जो भी ये बच्चा सुन रहा होगा वो समझेगा। नंबर वन कि एक क्वेश्चन नहीं बनने पर उस पर टाइम इन्वेस्ट करना। नंबर टू कि जो टॉपिक चल रहा है उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना, वो नहीं करी बाद में करी। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली नहीं देना। अगर आपने तीनों काम किए होते मैं श्योर हूं आप लास्ट ईयर ही हो जाते, आपका कैलिबर भी था, आप में सब था। क्या होता है, कई बार मैं हमेशा बोलता हूं हर क्वेश्चन पेपर में भी नहीं करने के लिए होता है, हमें छोड़ना भी आना चाहिए और सिलेक्ट करना भी आना चाहिए। एक क्वेश्चन नहीं बना, हम कई बार उसमें उलझ के घंटे खराब कर देते हैं, पर होता ये कई बार हम अगर उसको छोड़ के आगे बढ़ते जाएं तो कई बार आगे के क्वेश्चन की हेल्प से वो क्वेश्चन थोड़ी देर बाद हमें खुद क्लिक कर जाता, अरे ऐसा भी कर सकते थे। तो ये कई बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो जो बच्चे सुन रहे हैं बिल्कुल ध्यान रखें रिया की इस बात को कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपने 50 क्वेश्चन लिए, भले 10 ना बने, 20 ना बने, 30 ना बने, पर जो बन रहे उनको करते जाओ और फिर आओ। दूसरा, जब टॉपिक पढ़ाना चालू किया जाए तो उसकी रेगुलर डे पे प्रैक्टिस की जाए, जब भी अगली क्लास में समझ में आएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पढ़ाई कितनी भी करो, जब तक टेस्ट पेपर उसका एनालिसिस नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। आपने आने से पहले जो सबसे अच्छा काम किया था,
कि आपने अपनी तीनों कमियों को समझा और उनको आके यहाँ पर सबसे पहले दूर किया, और वही रीजन है कि रिजल्ट आया। अगर आप वही फिर करते तो मैं बता रहा हूँ फिर वही रिजल्ट होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिया। अच्छा आप रिया, जब आपने ड्रॉप लिया, इनफैक्ट जैसे आपने बोला आपकी मम्मी ने यूट्यूब पर सर्च किया, मेरे के साथ बहुत होता है कॉमनली, कई बच्चों के पेरेंट्स ही मुझसे बात करते हैं और पेरेंट्स को जब देख के अच्छा लगता है तो वो बच्चों को रिकमेंड करते हैं, ये भी अच्छी बात है। तो आपकी मदर और फादर दोनों का बहुत सपोर्ट है क्योंकि वो हर बार आए तो मुझसे मिले। तो मैं जानना चाहूंगा कि जब आप ड्रॉप ले रहे थे, एक और चीज थी आपने पहले बोला एमएससी करना है, फिर वो कंफ्यूजन था वो सब खत्म हो गया, अच्छा करा कि आपने वो नहीं किया, तो उस समय आपके मन में क्या थॉट आता था? अक्सर गर्ल्स या कोई भी बच्चा ड्रॉप लेने के बारे में कई बार सोचता है, तो आपका थिंकिंग पावर क्या था? तो ये थॉट तो स्टार्टिंग में तो ये थॉट बहुत बार आता था कि होगा कि नहीं होगा, ड्रॉप ले रखा है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिंग थे, उन्होंने कहा था कि अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दोबारा ड्रॉप ले लेना, मतलब तुमने एक एम फिक्स किया है तो फिर उस पर आगे बढ़ो। और साथ में मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये भी करा था कि अगर मेरा नहीं भी हुआ तो कम से कम मेरा मैथ्स तो अच्छा हो ही जाएगा, अगर मेरा मेरी रैंक नहीं आई तो मेरा मैथ्स तो इम्प्रूव हो गई, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा गोल है कि मुझे मैथ्स अपना बहुत अच्छा करना था। तो ये मेरा बहुत स्टार्टिंग से एम है कि मुझे अपना मैथ्स बहुत अच्छा करना है, क्योंकि मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे आपसे ही पढ़ना था, और तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ये भी अच्छी बात है। एक और अच्छी बात आपने बोली कि नहीं हुआ तो मम्मी ने बोल दिया था फिर ड्रॉप ले लेना, यानी ये एक सही पेरेंट्स का वो डिसीजन होता है कि बेटा आपने जो डिसीजन लिया है उसमें उनका सपोर्ट है, और आपने ये अच्छा करा कि उनकी बात भी सुनी और अपने आप को मोटिवेट रखा। और बिल्कुल सही बात है कि हम भले ही चाहे हमने पढ़ाई की, रैंक आए ना आए या जो भी हो, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ की। जैसे आपने बोला कि आपको मैथ सीखना था और वो एक चीज आप सीख ही गए होगे, और नॉट ओनली कि मैथ्स, आपने बहुत सारी चीजें और भी सीखी होंगी। यस सर, सब मोटिवेशन मेनली बहुत, मतलब जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला ना वहाँ पर, तो उसके लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मतलब इतने हाईली मोटिवेटेड लोग मिले, जैसे प्रतीक सर, सौरव सर, आपकी जर्नी, इन सबके मतलब इंस्पायरिंग स्टोरीज जो सुनी, तो उसी से इतना मोटिवेशन आया कि जब ये सब कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो रिया आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब जूनियर्स को मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर मतलब अगर वो ड्रॉप ले रहे हैं तो अपनी वही यही टिप दूंगी कि जो पास्ट मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट ना करें, और अगर जो न्यू पढ़ रहे हैं तो उनको मैं यही बोलूंगी कि आप मतलब कंसिस्टेंट रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मतलब करते रहें, आपसे जितना हो रहा है आप उतना करें, और बस सर को फॉलो करें, जो सर बोल रहे हैं जितना हो रहा है उतना फॉलो करें, अगर पूरा नहीं 100% फॉलो नहीं कर पा रहे तो जितना कर पा रहे उतना फॉलो करें। चलो बहुत ही अच्छी बात है रिया। अब आपको NIT कुरुक्षेत्र बहुत अच्छा कॉलेज मिला है, अब वहां पर भी आप ऐसे ही परफॉर्म करो, और जो लोग मिसगाइडेड होते हैं और जो आपने अपनी कमियां ढूंढी, हमेशा अपनी कमियों पे वर्क करने वाला इंसान सफल होता है, वो आपको समझ में आ गया, तो अब आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ो, खुश रहो ऐसे ही, और अपने माँ बाप का भी बहुत नाम रोशन करो। थैंक यू बेटा, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।